हेलो फ्रेंड्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम जो न्यूज़ लेकर के आए हैं वो महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की डॉटर को इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट किया था, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। आपने उसको पढ़ा भी होगा। इस न्यूज़ को हम समझते हैं और इसमें जो आपके काम की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप निकालिए और अपनी इंग्लिश को हम बेहतर बनाते हैं। तो न्यूज़ शुरू करने से पहले ये ढेर सारे हम आपको शब्द देते हैं जो इस न्यूज़ में इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे नैब हो गया, नैब मीन्स होता है दबोचना, थ्रेट मीन्स होता है धमकी, माइनर मीन्स होता है नाबालिग, डिटेन मीन्स होता है हिरासत में लेना। पूछताछ के लिए जब हम हिरासत में लेते हैं तो उसको इंग्लिश में हम डिटेन बोलते हैं। ये कॉपी पर आप ज़रूर लिख लीजिएगा। हैंड ओवर मीन्स होता है सौंपना। ये सारे शब्द आपको अभी आगे आने वाली न्यूज़ में मिलेंगे, तो नोट्स आप ज़रूर बनाते रहिए। ऐसी न्यूज़ पढ़ने से आपका होगा क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो हमें समझ में नहीं आता है, वो आप अगर लगातार आप ऐसे करते रहोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडलाइन भी लिखी हुई है, यंगर नैब फॉर गिविंग थ्रेट्स टू महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इज डॉटर। यंगर मीन्स एक युवक, नैब अभी आपने देखा है, नैब मीन्स होता है दबोचना, पकड़ लिया जाना। यंगेस्टर उस युवक को, छोटे युवक को नैब्ड, पकड़ लिया गया है, दबोच लिया गया है। किस लिए? फॉर गिविंग, देने के लिए। क्या देने के लिए? थ्रेट्स, धमकी देने के लिए। टू महेंद्र सिंह धोनी डॉटर, महेंद्र सिंह धोनी की डॉटर को जो धमकी दिया था, उस बच्चे को या उस आदमी को, उस यंगस्टर को दबोच लिया गया है। ये हेडलाइन है। अब इसके अंदर क्या है वो हम समझते हैं। अहमदाबाद की न्यूज है, आप जानते हैं। अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, जिस लड़के ने धमकी दिया था, अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, वो 16 साल का था, 16 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ बीन नैब्ड। 16 साल के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है या दबोच लिया गया है। नैब मीन्स होता है दबोचना। अ 16 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ बीन नैब्ड, उसको दबोच लिया गया है। कहाँ से? फ्रॉम मुंद्रा। मुंद्रा ये गुजरात का कोई डिस्ट्रिक्ट है, मुंद्रा से इन गुजरात, गुजरात में मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट से उस 16 साल के लड़के को दबोच लिया गया है। किस लिए? फॉर अलेजली गिविंग थ्रेट्स टू क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी माइनर डॉटर, पुलिस सेड। अब नीचे से देखिए, पुलिस ने कहा अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, 16 साल के लड़के को हैज बीन नैब्ड, दबोच लिया गया है, फ्रॉम मुंद्रा, मुंद्रा से इन गुजरात, गुजरात के मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट से। फॉर अलेजली, अलेजली कथित तौर पे, गिविंग देने के लिए, थ्रेट्स धमकी, कथित तौर पे धमकी देने के लिए, टू क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी डॉटर, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की डॉटर को, जो माइनर है, नाबालिग बच्ची को, कथित तौर पे धमकी देने वाले 16 साल के लड़के को मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात से उसको दबोच लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ये इसका मतलब है। आपको, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, द क्लास 12th स्टूडेंट, क्लास 12th 12वीं का ये छात्र है जिसको पकड़ा गया है, जिसने धमकी दिया था। द क्लास 12th स्टूडेंट वाज डिटेन्ड। डिटेन अभी आपने पढ़ा है, हिरासत में लिया गया है। जब पूछताछ के लिए ये पकड़ते हैं तो उसको डिटेन करते हैं। द क्लास 12th स्टूडेंट वाज डिटेन्ड, कक्षा 12 के स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया गया है। फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मीन्स पूछताछ के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी पूछताछ के लिए। इन कनेक्शन विथ थ्रेट मैसेज, जो थ्रेट मैसेज दिए गए थे, धमकी, थ्रेट मीन धमकी, मैसेज संदेश, धमकी भरे जो मैसेज दिए गए थे उनके कनेक्शन को लेकर के कक्षा 12 के स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया गया है। दैट की ही हैड पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ धोनीज वाइफ साक्षी धोनी अ फ्यू डेज बैक। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। इन कनेक्शन विथ, कनेक्शन जो कनेक्शन है उसका, विथ थ्रेट मैसेज, धमकी भरी मैसेज से पता करने के लिए। दैट की ही हैड पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम, कि उसने इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई पोस्ट डाली थी, अकाउंट ऑफ धोनीज वाइफ, धोनी की
वाइफ का जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है उस अकाउंट का नाम है साक्षी धोनी। साक्षी धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये पता लगाने के लिए कि आपने क्या ऐसी कोई न्यूज पोस्ट डाली थी अ फ्यू डेज बैक, कुछ दिनों पहले। सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर, सेड मीन्स कहा, अ सीनियर वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर अधिकारी, पुलिस एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा बताया है। आगे देखिए, द यूथ एक्सेप्टेड, जब उस यूथ से पूछा गया, क्वेश्चनिंग किया गया, पूछताछ की गई, द यूथ एक्सेप्टेड, यूथ ने, उस युवक ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, दैट की ही हैड पोस्टेड, कि उसने पोस्ट किया था, द थ्रेट मैसेज, धमकी भरा संदेश, ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, आफ्टर द IPL 2020, जो IPL अभी चल रहा है 2020, मैच बिटवीन KKR एंड CSK, KKR CSK के मैच के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने पोस्ट इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट, धमकी भरी पोस्ट डाली थी। वी डिटेन्ड हिम, हमने उसको, पुलिस का कहना होगा ये, अभी बाद में पता चलेगा, वी डिटेन्ड हिम, हमने उसको हिरासत में ले लिया है, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए, आफ्टर रांची पुलिस इन्फॉर्म्ड अस, आफ्टर बता, बाद में रांची पुलिस इन्फॉर्म्ड, रांची के पुलिस ने जब हमको बताया इस घटना के बारे में, आफ्टर रांची पुलिस इन्फॉर्म्ड अस, अस हमें, जब रांची की पुलिस ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी घटना है, तो हमने उसको हिरासत में ले लिया है, दैट द एक्यूज्ड, कि जो अपराधी है, जब रांची की पुलिस ने हमको बताया, दैट द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मीन्स होता है अपराधी, बिलोंग्स टू मीन्स होता है संबंध रखना, कि जो अपराधी है वो संबंध रखता है मुंद्रा से, इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट के मुंद्रा से वो जो अपराधी है वो संबंध रखता है, तो हमने उसको हिरासत में ले लिया है, जब रांची पुलिस ने हमको ऐसी जानकारी दी, हमको बताया। We have confirmed, ये वहाँ की पुलिस का कहना होगा या पुलिस ऑफिसर का कहना है, We have confirmed, हमने पक्का कर लिया है, that कि the boy is the same, कि ये वही लड़का है, the same यानी वही लड़का है, who posted, जिसने पोस्ट किया था, the message, जिसने मैसेज किया था, हमने कन्फर्म कर लिया है कि ये वही लड़का है। He will be handed over. Hand over means होता है सौंपना. He will be handed over to Ranchi Police. उसको रांची पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा. The police officer said. पुलिस अधिकारी ने ऐसा कहा. हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी. ये न्यूज़ अच्छी है. इसमें आपको ढेर सारे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं. काफ़ी इजी स्ट्रक्चर्स हैं. स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा इन सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. तो लगातार जब आप ऐसी न्यूज़ देखते रहोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती रहेगी. और इसमें जो वर्ड्स आपको बताए जाते हैं ये सारे वर्ड्स अपनी कॉपी पे लिखिए, याद करिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको लगातार न्यूज़पेपर में मिलते रहेंगे जिनका इस्तेमाल, अगर आपको शब्दों का मतलब पता होगा तो धीमे धीमे आपको भी न्यूज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी. कोई सजेशन होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए. और अगर आप अभी नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियो जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हैं वो लगातार आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे. और कोई सजेशन होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. और अगर आप भी ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आप भी घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं. मिलते हैं आपसे अगले न्यूज़पेपर रीडिंग वीडियो में. लगातार आप ये देखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते